सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। बुधवार को जिला समाहरणालय परिसर में एक दिनी धरना के माध्यम से जिले में बिजली और पानी समेत सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही संगठन के जिलाध्यक्ष जयश रंजन पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ईमानदार विपक्षी पार्टी की भूमिका में है और सरकार की हिटलरशाही नहीं चलने देगी। कहा, पानी और बिजली की समस्या से जनता त्राही त्राही कर रही है। 4 माह बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में रघुवर सरकार की तमाम दावे खोखले साबित हुए। जनता कष्ट झेलते हुए यह सब देख रही है। जिलाध्यक्ष श्री पाठक ने कहा कि जिले में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन से लेकर जरूरत पड़े तो पदयात्रा और पुतला दहन करने समेत तमाम लोकतांत्रिक पद्धति से सरकार की तंद्रा भंग करने का कार्य करेगी। धरना प्रदर्शन में संगठन के दर्जनों नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। सबसे पहले हम लोग जितने लोग यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बैठे हुए हैं, हम लोग विपक्ष में हैं, पूरे विपक्ष की भूमिका ईमानदारी पूर्वक निभा रहे हैं। लोकतंत्र में धरना के माध्यम से अपने मांगों को रख रहे हैं, जनता के बीच में बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार है, इस प्रदेश के मुखिया रघुवर दास जी हैं और आज पूरे पलामू ज़िला में बिजली की जो समस्या है ये किसी से छुपा नहीं है, पानी की जो समस्या है ये किसी से छुपा नहीं है। अब बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर निगम क्षेत्र है, चैनपुर सिंगरा को भी नगर निगम के साथ जोड़ा गया है, मगर नगर निगम का कोई भी सुविधा उस क्षेत्र में बहाल नहीं हुआ है। आज स्थिति ये है कि अपनी राजनीतिक को चमकाने में मेयर और डिप्टी मेयर लगे हुए हैं, टैंकर में बड़ा बड़ा फोटो नज़र आते हैं उनके, मगर पानी जिन्हें पानी मिलना चाहिए उनके घर तक पानी नहीं पहुंच रही है। कोयल नदी का स्थिति देख लीजिए क्या है, कोयल नदी में आम जनता उसको गड्ढा करके पानी से अपने घर की प्यासे बुझा रही, इससे दुख क्या हो सकता है। जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब लोगों को पानी नहीं पिला सकते हैं, लोगों को बिजली नहीं दे सकते हैं, ऐसी सरकार रहे या ना रहे बात बराबर है।